नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी नई टीम जल्द घोषित कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार इसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिवों की कुल संख्या 70 से अधिक नहीं होगी। इसी तरह पूरी कमेटी में 70% युवा नेताओं को मौका दिया जाने वाला है। इस बार की कांग्रेस कार्यकारिणी वरिष्ठ नेताओं के दबाव से मुक्ति होगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने दिसंबर 2023 में कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के 6 माह बाद गठित होने जा रही पीसीसी में 30% वरिष्ठ नेताओं को जगह मिल सकती है। महिला नेताओं को 10% हिस्सेदारी दी जा रही है। तकरीबन 70 नामों की लिस्ट है। इस लिस्ट पर अब AICC महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह की सहमति मिलना बाकी है। इसके बाद नामों की घोषणा कर दी जाएगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि नई कमेटी जल्दी घोषित हो जाएगी। जातिगत समीकरण के साथ जिलों को प्रतिनिधित्व मिले, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। कार्यकारिणी मीडियम होगी। केंद्र से हरी झंडी मिल गई है। नहीं नहीं, देखिए प्रोसीजर है कांग्रेस कमेटी के गठन का। पूरे मध्य प्रदेश से लोगों को एडजस्ट करना है, जिलों को एडजस्ट करना है, जाति समीकरण बैठाना है। कल जीतू पटवारी जी शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए थे, वहाँ से हरी झंडी मिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि एक आध सप्ताह में डिक्लेरेशन हो जाएगा हमारी कांग्रेस कमेटी का, और बड़े वजनदार लोगों को इसमें हम लोग ले रहे हैं। देखिए प्रोसीजर है, उसे फॉलो तो करना ही पड़ता है। सर, किस प्रकार की कार्यकारिणी होगी? क्या जम्बो कार्यकारिणी होगी या छोटी कार्यकारिणी होगी? नहीं नहीं, जम्बो कार्यकारिणी नहीं होगी, मीडियम कार्यकारिणी होगी। देखिए 52 जिले हैं, जिलों को भी प्रतिनिधित्व मिले, सामाजिक समीकरण बने, जातिगत निर्णय ठीक हों, इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मीडियम कार्यकारिणी बनेगी। और साथ में ये भी होगा कि हर जिले का एक प्रभारी, हर विधानसभा का एक प्रभारी भी नियुक्त करेंगे। कार्यकारिणी में क्या सर, दिग्विजय समर्थक, कमलनाथ समर्थक, अजय सिंह? इसमें अब कोई समर्थक नहीं है, सब मल्लिकार्जुन खड़गे के झंडे के नीचे है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के झंडे के नीचे है, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सज्जन वर्मा हो। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हाथ में कांग्रेस का झंडा है, हम सारे लोग उस झंडे के नीचे और बड़ा तालमेल से सारे लोगों के सुझाव लेके कार्यकारिणी बन रही। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।